सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, शब्दावली सुनिए, जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, बिल्कुल अंधा क्या होता भाई, अंधा तो अंधा, बिल्कुल अंधा यानी क्या, बिल्कुल अंधा यानी बाहर की आंख तो मान लो फूट ही गई थी, बाहर की आंख फूटने से बिल्कुल अंधा व्यक्ति नहीं होता है, बिल्कुल अंधा तब होता है जब वो अंदर की स्वयं से फोड़ लेता है। बाहर की आंख फूटने से कोई अंधा नहीं होता है, बाहर की आंख फूटने से कोई अंधा होता तो सूरदास जी को लोग अंधा कहते। सूरदास जी अंधे हैं क्या? सूरदास जी अंधे नहीं है, जो सूरदास जी को अंधा कहेगा उसको पाप लगेगा। सूरदास जी अंधे होते तो ये गाते, वो ये गाते हैं कि मुझे दर्शन दे दो श्याम अखिया हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी अखिया अंधा उसको नहीं कहते, अंधा उसको कहते हैं जो भीतर की आंख फोड़ लेता है। धृतराष्ट्र को इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र जब बिल्कुल अंधे हो चुके थे, बाहर की आंख फूटी थी, अंदर वाली फोड़ लिया, किसके मोह में, पुत्रों के मोह में मोहांध हो गए। बंधो माताओं, कोई मोहांध हो जाता है, कोई मदांध हो जाता है, कोई पदांध हो जाता है, और इसी को कहते हैं बिल्कुल अंधा। और एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझाने आए, समझाना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को, देखो कौरव पक्ष में भी धर्म है, पांडव पक्ष में भी धर्म है, समझ लीजिए। कौरव पक्ष में धर्मावतार विदुर महाराज हैं, पांडव पक्ष में धर्मावतार युधिष्ठिर जी हैं, दोनों के पास धर्म है। आपके मन में प्रश्न उठेगा, फिर एक विजयी क्यों हुआ, एक पराजित क्यों हुआ? अंतर है, क्योंकि जो पांडवों के पक्ष में धर्म है, पांडव उस धर्म के अनुसार चलते हैं, और जो कौरवों के पक्ष में धर्म है उसको कौरवों के हिसाब से चलना पड़ता है, एक धर्म के हिसाब से चलते हैं, और कौरवों के जो धर्म है विदुर जी उनको कौरवों के हिसाब से चलना पड़ता है। और बंधु माताओं, विजय तब मिलती है, जीत तब मिलती है जब हम धर्म के अनुरूप चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तब हमको विजय मिलती है, नहीं तो पराजय होती है, हार। विदुर जी को कौरवों के अनुसार चलना पड़ता था, ये दुर्योधन हड़का के रखता था, और युधिष्ठिर जी अगर कुछ भी कह दें सारे भाई एकदम नतमस्तक हो जाते थे, जैसे आज्ञा भैया। तो एक दिन विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ये जो तुम्हारा बेटा है ना दुर्योधन, मूर्तिमान कलयुग है, एकदम कैंसर है, और अभी शुरुआत है कैंसर की, अभी ही यदि तुम दुर्योधन से अलग हो जाओ,
दुर्योधन को दूर कर दो, हो सकता है पूरे शरीर में कैंसर न फैले। और यदि आपने यह निर्णय नहीं लिया, पूरे कौरव वंश का समझाए। बंधु माताओं, आप बताओ किसी अंग में यदि कैंसर हो जाता है, डॉक्टर काट देता है कि नहीं? सारे शरीर में विष न फैले तो क्या करता है, उस अंग को काट देता है। यह शास्त्र निवेदन कर रहा है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। यदि एक व्यक्ति को निकाल देने से, हटा देने से अथवा मार देने से एक परिवार की रक्षा हो रही हो, कर देना चाहिए। और एक परिवार को हटा देने से एक गांव की रक्षा हो जा रही हो तो उस परिवार को हटा देना चाहिए। और एक गांव के हटा देने से एक जनपद की रक्षा हो जा रही हो तो उस परिवार को भी गांव को भी हटा देना। और सुनो, इन सब को हटा देने से यदि आत्म कल्याण हो जाए तो सब कुछ को हटा के अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये शास्त्र निवेदन कर रहा है बंधु माता, ये शास्त्र निवेदन। निकालो दुर्योधन को। और बंधु माता, दुर्योधन को पता चल गया कि मेरे ही बाप को वो ये भड़का रहा मेरे खिलाफ। विदुर काका, हे निकल, मेरी ही रोटी पर पलता है और मेरे ही बाप को भड़का रहा है मेरे खिलाफ। और ये दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को अपमानित कर रहा है। और जानते हो, इसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। हम लोगों के बीच में लोग कहते हैं एकदम धृतराष्ट्र हो गए हो क्या, ये मुहावरा बन गया, ये उपमा बन गई। धृतराष्ट्र यानी जो गलत को गलत ना कह सके, सही को सही ना कह सके, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है समाज में बंधु माताओं। क्योंकि हम ठकुर सुहाती सुनना चाहते हैं, हम अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। नहीं, गलत को गलत, सही को सही। धृतराष्ट्र बैठे रहे, दुर्योधन विदुर काका को अपमानित करता रहा। विदुर काका ने तय कर लिया, अब मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है कौरवों के साथ, अब बहुत हो गया। धृतराष्ट्र बैठे, एक शब्द नहीं बोले। विदुर काका यहाँ से उठे और छोड़कर जाने लगे। बंधु माताओं, और सुनो, धर्म कैसा नियम पालन करता है। विदुर जी धर्मावतार हैं। विदुर जी जब जा रहे थे तो कौरवों के दरवाजे पर अपना धनुष बाण छोड़, धनुष बाण कहे, धनुष बाण लेकर जाऊंगा तो इनको ये भ्रम हो सकता है कि मैं पांडवों से जाके मिल गया, उनकी ओर से अब रहूंगा। लेकिन उन्होंने धनुष बाण को क्या किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? धृतराष्ट्र के इस आचरण से। और बंधु माताओं, एक दोहा आपने मानस में बहुत बार गाया होगा, मेरे साथ एक बार गाओ, अर्थ समझ में आएगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आ, राज धर्म तनु तीन करी हो ही बेगही ना। और बंधु माताओं, आज विदुर जी केवल कौरवों को नहीं छोड़कर जा रहे हैं, दर्शन करिए, कौरवों को छोड़कर उनका धर्म जा रहा है, कौरवों की आयु जा रही है। अरे, आपने प्रसंग सुना होगा, जब तक विभीषण जी रावण में लंका में राक्षसों के साथ रहे तब तक लंका के राक्षस सुरक्षित रहे। लेकिन जिस दिन विभीषण जी छोड़े, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सा।
विभीषण जी छोड़कर गए, राक्षस श्रीहीन हो गए, विदुर जी छोड़कर गए, कौरव आयुहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। विदुर जी ने घर छोड़ा और बढ़िया विचरण करने लगे। और एक दिन विचरण कर रहे थे यमुना जी के तट पर, अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से, भैया राधे राधे। भगवान के परम मित्र महासखा उद्धव जी हैं, उनसे भेंट हुई। भैया उद्धव कैसे हो? विदुर काका प्रश्न कर रहे हैं, और इतने ही प्रश्न नहीं, अनेकानेक प्रश्न कर दिए। ये बताओ उस महाभारत के युद्ध का क्या हुआ? ये बताओ मैं तो बीच में छोड़कर चला गया था। और सुनो द्वारिका में कौन कौन है? मेरे प्रभु आनंद से तो है, अपने परिकरों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और बंधो माताओं, जब विदुर जी ये प्रश्न उद्धव से पूछ रहे हैं कि मेरे गोविंद द्वारिका में प्रेम से हैं कि नहीं, महाभारत के युद्ध का क्या हुआ, मेरे प्रभु का समाचार बताओ हो उद्धव जी। उद्धव जी के धीरे धीरे नेत्र बंद होते चले गए, उद्धव जी को समाधि लग गई और उद्धव जी के नेत्र से आंसू आ गए। बंधु माताओं, किसी प्रिय की कोई सूचना जब पूछता है, आंखों से आंसू, उद्धव जी के नेत्रों से आंसू आ गए। भैया आपको कुछ नहीं पता, महाभारत का युद्ध न जाने कब पूरा हो गया, पांडवों की विजय हुई, कौरव पराजित हुए, और आप पूछ रहे गोविंद कहाँ है। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर काका, गोविंद लीला पूरी करके इस धरा धाम को छोड़कर अपने धाम में प्रस्थान करके चले गए। विदुर काका के नेत्रों से आंसू निकल गए, गोविंद लीला पूरी करके चले गए। हाँ, अब गोविंद इस धरा धाम पर नहीं है। लेकिन विदुर जी, भगवान जब जा रहे थे तो आपको याद किए थे। सुनते ही विदुर काका का मानो हृदय फट गया हो। अरे वो ब्रह्मांड का नायक कृष्ण जाते जाते मुझे अकिंचन को याद कर गया। क्या याद किए? ओ उद्धव बता दो, मेरे गोविंद क्या कहकर गए, मेरे लिए क्या याद किए मुझे? कह रहे विदुर जी, भगवान एक दिन आपकी कथा सुना रहे थे और प्रभु की आंखों में आंसू आ, मेरी कथा गोविंद सुना रहे थे। कह रहे थे एक बार मैं गया था तो मैं विदुर काका के घर गया था उद्धव, और विदुरानी काकी ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, आज तक मेरे सिर के ऊपर विदुर और विदुरानी काकी का ऋण है उद्धव। अब मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं, उनका ऋण चुका नहीं पाया हूं।
धन्य है गोविंद भक्तों के ऋण को सिर पर लेकर संसार छोड़कर चले गए भक्तों के लिए ऋणिया बनकर गोविंद घूम रहे हैं। विदुर काका ने कहा कि मैं तो कुछ भी सेवा नहीं कर पाया था और गोविंद ऋण लाद के चले गए। हे प्रभु, एक बार दर्शन दे दिए होते, लीला पूरी करने के पहले एक बार मैं दर्शन कर लिया होता। अरे उधो, क्या बताऊ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मैं तो कहा कि आप घर चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूं। और जानते हो, विदुरानी ने प्रभु को देखा, प्रेम में पागल हो गई, पागल हो गई, पागल, प्रेम में पागल हो गई। भगवान भूखे थे, कहा कि भोजन कुछ कराओ। विदुरानी प्रेम में इतने पागल हो गई, केले भगवान को खिला रही है, केला फेंकते जा रही है, छिलका गोविंद को खिलाते जा रही है। और मेरे गोविंद की कृपा देखो, एक बार भी कुछ नहीं टोके, छिलके खाकर ही आनंदित होते रहे। छिलका छिलका खा के गोविंद ऋणी हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे बंधु, बताओ, विदुर काका भगवान याद कर करके इतना रोए है, इतना रोए है, इतना रोए। और क्या भेंट मुझे किए हैं उद्धव, गोविंद क्या मेरे लिए संदेश भेजे हैं। कुछ बातें तो उद्धव जी ने बताई हैं विदुर काका को, जो भगवान ने संदेश दिए थे। बाकी बातों को जानने के लिए उद्धव जी ने कहा, आपको गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि मिलेंगे, और मैत्रेय मुनि ही आपको आगे की कथा सुनाएंगे। बंधु माताओं, दो मिनट हरि नाम संकीर्तन करुणामयी कृपामयी मेरी दया करुणा
उनका कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान की इस लीला को सुनकर। हरिद्वार में गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि से भेंट हुई और मैत्रेय मुनि ने कहा कि अरे मैं तो आपको ही मैं ढूंढ रहा हूं, गोविंद ने मेरे कंधे पर बड़ा भारी बोझ लाद दिया है, जब तक वह बोझ उतारूंगा नहीं तब तक कैसे, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और विदुर काका ने मैत्रेय मुनि से भगवान के उन दिव्य संदेशों को सुना है। विदुर काका ने प्रश्न पूछा है मैत्रेय मुनि से कि प्रभो मेरी जिज्ञासा का समाधान करो, क्या इस संसार में है प्राणी सुखी होना चाहता है, कैसे हो? सुखाय कर्माय करोति लोको नातै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूया तदेव दुःखं यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः। इस संसार में सब सुखी होना चाहते, सब सुखी होना चाहते हैं, तो जीव सुखी हो कैसे? हो सकता है किसी को भोजन की इच्छा न हो सकता है किसी को वस्त्र की इच्छा न हो सकता है किसी को गाड़ी घोड़ा मकान बंगला की इच्छा न हो, लेकिन सुख तो सब चाहते हैं। तो जब सुख चाहते सब हैं तो उनको सुख मिलेगा कैसे? मानव मात्र सुखी होना चाहता है और हम सब तो भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जीव सुखी होना चाहता है, सुखी हो कैसे? दिन भर दौड़ भाग रहे हम सब, भागम भाग की जिंदगी है, उद्देश्य सबका एक है, सुख मिले, हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। और जितने सुख के लिए वो दौड़ भाग कर रहा है उतने ही दुख के दलदल में फंसता चला जा रहा है, दौड़ लगा रहा है सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख की दलदल में फंसता चला जा रहा है, कोई सुखी नहीं हो पा रहा है। तो प्रश्न मेरा ये है, जीव सुखी कैसे हो? मैत्रेय मुनि कहे आपका प्रश्न तो बहुत श्रेष्ठ है, जीव सुखी कैसे हो सार्वभौमिक सार्वकालिक प्रश्न है, जीव के कल्याण का प्रश्न है, जीव सुखी कैसे हो? विदुर जी, सुख तो हम हमारे भीतर है लेकिन हम सुख ढूंढ रहे हैं बाहर। परमात्मा ने हमको सुख देकर भेजा था, चौपाई मानस की याद करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश। सुख तो भीतर है, ढूंढ रहे हैं बाहर, और बाहर जो सुख हमको दिख रहा है वो नकली है। कैसा नकली? गर्मी के दिनों पे हाईवे पे गाड़ी चलाई अपनी चार पहिया
और चार पहिया चलाते चलाते आपकी दृष्टि जब दूर जाएगी तो आपको दूर लगेगा कि सड़क पर पानी बिखरा हुआ है, और जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पानी नहीं दिखेगा। ऐसे ही मृग मरीचिका के भांति हम सब सुख को खोज रहे हैं, दौड़कर जा तो रहे हैं, ये पाले तो सुख मिलेगा और उसको पाने के बाद भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि असली सुख जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, संसार के संसाधनों से सुख नहीं मिल सकता है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख, राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, बिन संतोष सारी दुनिया दुखारी। बंधो माता, ये देखो श्रेणी है। कोई कह रहा है निर्धन कह रहा धनवान सुखी, कह रहा नहीं धनवान, कह रहा नहीं मैं नहीं राजा सुखी, राजा कह रहा मैं नहीं चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहा मैं नहीं इंद्र सुखी, इंद्र कहा मैं नहीं राम सुखी, राम कहे नहीं संत सुखी, संत कहे नहीं। हम सुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, संतो और भक्तवत्सल भगवान की जय। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो। तेरी बदौलत है ये रुतबा और ये शोहरत भी, तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा
रमन अब नहीं लगता है, जग की बातों में मेरा मन अब नहीं लगता है, जग की बातों में अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, जिस तरफ ले चलो मुझको, जिस तरफ ले चलो मुझको वही चलो ना कहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा कुछ ना कहूंगा।